बहू नहीं है तू, ये बहू नहीं है, चंडाल है, घर खराब करने है किसी किसी के, मतलब तुमसे इज्जत नहीं होती ना, क्या इज्जत तो ज्यादा ना प्रॉपर्टी के लिए गिड़गिड़ाई भी मत कर अब, क्यों प्रॉपर्टी तेरा बाप देगा, तेरा बाप देगा, तेरी माँ देगी, तीन तय देज में लेकर हेलो एवरीवन, हाल चाल है अभी सबके। तो भाई आज हमारे साथ ये माता जी बैठी, भाई माता जी का नाम भाई ममता है और दिल्ली से है भाई माता जी। भाई इनसे भाई मेरा एक भाई ने कांटेक्ट करवाया भाई, और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारे पड़ोस में पिछले कई दिनों से भाई एक आंटी है वो परेशान हो रही है भाई। फिर मैंने उनसे पूछा कि कौन है भाई, बताया कि भाई इनकी जो घर की बहू है वो इनको परेशान कर रही है, बेटे को बोलते बेटा सुनता नहीं है बिल्कुल भी, हालांकि प्रॉपर्टी बोल रही है मेरे ही नाम है लेकिन मेरे को घर में रखना नहीं चाहते यार। परसों से ये बोल रहे हैं कि घर ही नहीं गई है, उस लड़के के पास थी, लड़का कैमरे पे नहीं आ सकता, और क्यों इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई मेरे को दिक्कत हो जाएगी, कल को मेरी फैमिली को नहीं दिक्कत हो जाएगी। यही भाई अच्छा है मेरे लिए कि आपने इनसे मेरे को मिलवाया, मत जो भी आपके साथ हो रहा है ना वो आपको कैमरे में बताना होगा, कैमरे में इसलिए बताना होगा अगर कल को कोई ये वीडियो देख रहा है ना, कोई लड़की हो या कल बहू हो या बहू बने आगे आने वाले टाइम में, तो उनको पता लग जाएगी भाई जो सासू माँ होती है वो ही माँ होती है, क्योंकि आजकल की जो बहू है ना वो यूँ सोचती है कि सासू माँ अलग है माँ अलग होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक ही होते हैं भाई, माँ हो या सासू माँ हो, अगर आप उनकी सेवा करोगे तो बाहर भी अच्छा मिलेगा भाई, सब ये बोले हैं कि भाई देखो उनके घर की बहू कितनी अच्छी है। ठीक है, जो आपके साथ व्यवहार हो रहा है ना वो आप एक बार कैमरे में बता दीजिए। मेरे बेटे ने एक साल पहले लड़की से मिलाया, लड़की गरीब घर की थी, मुझे भी अच्छी लगी, लव मैरिज कर दी, हाँ लव मैरिज थी, शादी कर दी, उसका घर परिवार भी अच्छा, लड़की का लड़की भी अच्छी थी, एक साल से अच्छी तरह रहे, कुछ कोई डॉक्टर कुछ नहीं थी, अब सबसे एक साल के बाद से तरह तरह के तो घर में लोग आते हैं, उससे पार्टियां करती है, मतलब किस तरीके से अच्छे लोग नहीं आते हैं, मतलब बियर पीने की, ड्रिंक करने की, या फिर भद्दा तो डांस करने की। मेरी बात सुनो, आप अपने लड़के को बोलते हो बेटा ऐसे ऐसे हो रहा है? बोलती हूँ, कहता है बहू जो करती है बहू ठीक कर रही है, तुम उसके बीच में मत बोलो, तुम अपना ही कोने में पड़े रहो, जो तुम्हें घर काम करने का काम वगैरह करो, बहू ने तो काम करना बिल्कुल छोड़ ही दिया है, कोई काम भक्कर नहीं करती है, सारा काम भक्कर मैं करती हूँ, मैं ही करती हूँ, मकान मेरे नाम है, वो पीछे पड़े हैं कि मकान हमारे नाम कर दो, परसों तो इतना झगड़ा हुआ मुझे घर से ही बाहर निकाल दिया। अच्छी बात ये आंटी जी कि आपके नाम है मकान, जब अभी ये हरकतें कर रहे हैं अभी तो भाई वो कदर करेंगे, एक बार चलो गुस्से में निकाल दिया, अभी वो कदर करेंगे, कदर इसलिए करेंगे क्योंकि भाई अभी इनके नाम प्रॉपर्टी है आपके नाम। ठीक है, अगर वो नहीं होता तो भाई बहुत बुरा हालत करते भाई इनके, क्योंकि अभी ऐसे हो रहे हैं, इनके हालात ऐसे कर रखे उन्होंने, तो बाद में तो पता नहीं क्या क्या करते अगर प्रॉपर्टी नहीं होती। और बताओ आंटी जी, मैं पुलिस में जा सकती है, बहू है जाएंगे जेल में, तक्लीफ होगी तो मुझे भी तकलीफ उतनी, क्यों नहीं होगी आंटी जी, क्यों नहीं जा सकते आप, आपका हक है, वो आपका हक है, आपने इज्जत बनाई अपने घर की, अगर कोई ना कोई आके वहाँ पे शराबे पिएगा, आते रहेंगे लोग तो इसमें आपकी बदनामी है, आप तो अच्छा कर रहे हो कि भाई उनको रोकते हो टोकते हो, अपने घर की इज्जत बना रहे हो, आपका हक है कि भाई आप अपने घर में रहो क्योंकि आपके नाम है, आपने पाला उसको, आपका पहले तो भाई मैं लड़के की गलती मान रहा हूँ, भाई लड़का एक अपनी माँ को ही नहीं समझ रहा है, अरे कम से कम ये तो देख ले पाला पोसा भाई यहाँ तक लेके आई है, बहू थोड़ा लेके आई है तेरे को वहाँ तक, माँ ही लेके आई होगी ना, शर्म कर भाई, चलो एक बार समझा दे, एक बार समझ जा तो अच्छा है, नहीं समझेगा तो फिर देखेंगे कुछ और क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल समझाएंगे जी, नहीं समझेगा तो मैं देखो पुलिस की तो कहता नहीं लेकिन हमारे पास क्लिप में रिकॉर्ड करूँगा उन दोनों को, भाई मैंने फ़ोन करके बुलाया सच में, ठीक है फ़ोन करके मैंने तब वो रिकॉर्ड नहीं करी वो चीज़ें, फ़ोन करके बोला कि ऐसे ऐसे भाई प्रॉपर्टी नाम करवा रहे तुम्हारी मम्मी, फेक एडवोकेट बन के कि ऐसे ऐसे तुम्हारी मम्मी मतलब प्रॉपर्टी नाम करवा रही है और तुम ऐसे ऐसे इस पार्क में आ जाओ, तो पहले तो बोले पार्क में कौन सा एडवोकेट होता है, तो मैं बोला कि भाई यहाँ से फॉर्म सिग्नेचर होके सब कुछ होके वहाँ से पास में ही वहाँ चलेंगे नोटरी के पास, तो इस तरीके से मैंने झूठ बोला है और इस पार्क में बुलाया। आंटी जी माइक दे के जाऊँगा, ठीक है मैं पहले नहीं दिखूँगा उनको सामने, ठीक है जो हरकतें आपके सामने करेंगे ना वो करने देना, जो वो बोले बोलने देना उन दोनों को, ठीक है और उसमें कैप्चर होने देना, उसमें अगर कैप्चर होगा ना उसमें कैप्चर होगा मैं ऐसी जगह वायरल करूँगा, वो बेस्ती के डर से क्या पता सुधर जाए अगर मेरे एक छोटी सी ये जो मैं कर रहा हूँ इसकी वजह से अगर किसी का घर सुधर रहा है, किसी का घर बन रहा है तो मेरे को खुशी है आंटी जी से। तो तब तक के लिए भाई कैमरा ना साइड कर ले, उनका ना इंतज़ार करते, उन्होंने बोला था कि भाई हम आ जाएंगे भाई लगभग 10:30 बजे तक, तो अभी 9 बजे सुबह के, तो 1.5 घंटा है अभी हमारे पास, तो आंटी वेट करते तब तक, कैमरा साइड कर। A few moments later. क्या बात है मम्मी? बेटा नहीं आया? बेटा बेटा नहीं आया अभी।
उसे बुलाया था ना साथ में? हाँ वो बाद में आएंगे, अभी इनको टाइम नहीं था। माँ के लिए टाइम नहीं है? आप ये बताओ, आज तो बड़ी खुश हूँ मैं, ऐसा लगता है ऐसे भगवान ऊपर से नीचे उतर आए हैं। प्रॉपर्टी के लिए मैं कितने टाइम से परेशान हूँ। और बेटे को तो बुलाओ, वो आ जाएंगे, उनकी उनकी चिंता मत करो। तो उसको तो बुलाया था साथ में, माँ के लिए टाइम नहीं उसके पास। चिंता मत करो, ये बताओ वो एडवोकेट कहाँ है जिसने फ़ोन किया था? प्रॉपर्टी पहले बेटे को तो बुलाओ ना। अरे वो तो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, उनकी टेंशन छोड़ दो। वो एडवोकेट कहाँ है जिन्होंने फ़ोन किया था, मुझे बुलाया था? वो अभी आ जाएंगे, चलो घर घर जाके बात करेंगे, चलो घर चलो। पहले मुझे प्रॉपर्टी के बारे में बताओ। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मैं भी नाम नहीं करूँगी, अभी घर चलो। क्या? चलो घर चलो। बुढ़िया तू पागल है? मैं कहाँ रहूँगी बताओ ना। क्यों, मैं पागल होगी क्या तू? मैं अभी कहां तो जाके फोन किया था, अभी तो बोला था कि एडवोकेट आया, एडवोकेट से बात भी करवाई थी। चल पीछे हो जा, तेरा दिमाग सेट आ गया क्या? मैं कहाँ जाऊँगी बेटा, मैं दो दिन से पानी फेर दिया, दो दिन सड़कों पे, दो दिन से सड़कों पे रह रही, मैं कहाँ रहूँगी? ये कोई मतलब होता है क्या? ऐसा ऐसा मत, तेरा दिमाग सट गया है बेटा, बहू घर से बाहर निकाल दे, मैं कहाँ रहूंगी बताओ ना। चल दूर हो मुझसे तू, तुम्हें सब कुछ तो दे रही हूँ, एक साल से मैं सब क्या, कर रही हूँ क्या, सब कुछ दे रही हूँ। मैं इतने टाइम से बैठी हूँ प्रॉपर्टी के लिए और कोई मतलब ही नहीं बनता। आज थोड़ी सी खुशी मिली थी, वो भी सब पानी फेर दिया। तुम्हें सब कुछ, तुम्हें किसी तुम्हें मना किया, किसी के लिए मना करती हूँ? गंदे दोस्तों के प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मेरे मरने में सबकी तो है, तुम्हारी तो है, ऐसा मत। मुझे अब भी चाहिए, अब भी मेरे को हाथ मत लगाओ। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या कर रहे हो? कौन है तू? क्या सीन हो रहा है? क्या सीन हो रहा है? हमारे आपस का मामला है, तू होता कौन है बीच में आने वाला? भैया सास है मेरी। है? सास है मेरी। सास है तो पार्क में मैडम, ऐसे क्या कर रहे हो आप, ये सब आता भाई कर? हमारा घर का मामला है, हम कहीं भी बात करें, तू होता कौन है? तो घर का मामला घर में करो ना, ये क्या सीन चल रहा है, ये क्या बोल रहे हैं? मुझे बुलाया था यहाँ पे प्रॉपर्टी नाम करने के लिए, फोन करवाया था एडवोकेट से, तो इसलिए मैं आई हूँ। पहले तो बोला कि तेरे नाम करवा देंगे, जब मैं आ गई तो बोली मैं नहीं करवाऊंगी, मुझे मुझे घर ले जा, मैं बोल रही हूँ, बात सुन ही नहीं रही है, बात मान ही नहीं रही। क्यों क्यों किया था? मेरी बात सुन ले, वो लड़का कहाँ, वो भाई आया लड़का? वो नहीं है, बेटा वो नहीं, बेटे को नहीं बुला लेकर आया, जो करनी है तेरे बोले उसने, और बुला ले एक बार जल्दी। वो अभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे? दाऊद हो रहा वो? नहीं वो अभी नहीं आएंगे, उनको काम है बहुत, काम है बहुत, फ्री नहीं है कोई भी। माँ के लिए इसने तो, बुढ़िया ने मुझे धोखा, माँ के लिए, माँ के लिए टाइम नहीं है। मैं तो ऐसी बोलती हूँ, मैं तो ऐसी बोलती हूँ, माँ के लिए भी टाइम नहीं है उसकी, कोई टाइम नहीं है, मुझे मना कर दिया साहब। मेरी बात सुन, नहीं तू क्या कर रही है, तू ये देख, मैं क्या कर रही हूँ, ये हरकतें करेगी के? मैं कोई क्या हरकत कर रही हूँ, मैं तो सही कर रही हूँ जो कर रही हूँ, घर से भी बाहर निकाल के तू होता कौन है बात करने के लिए? तुझसे बात कर कौन रहा है? आपके लड़के से बात करनी है एक बार मेरे को, ठीक है? वो यहाँ नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है इतना फालतू का। मैं अच्छा, तो अपनी माँ के लिए भी टाइम नहीं, तो बकवास कर रही है। मैं तो फिर भी आ जाती हूँ, वो तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मेरी बात सुन, अगर तेरे तेरे घर में ऐसी हरकतें हो, तेरी भाभी ऐसे करे, तू मतलब खुश होगी? खुश होगी? क्या हरकत कर रही हूँ मैं? क्या जीना मौत कर, क्यों घर से बाहर निकाल दिया? मैं तुम्हारी तो जीना मौत कर रही हूँ, मुझे प्रॉपर्टी से मतलब है बस। प्रॉपर्टी में एक बात बता, तुम्हारे घर में ये रिवाज है क्या, तेरे मायके में क्या? तू तो कौन है बोलने वाला? ऐसा बोलते रोले, अपने अपने ना पति ने बोला नहीं, कोई नहीं आएगा, बात ही नहीं करनी है, किसी के पास फालतू में आने के लिए। नहीं नहीं, चल चल निकल, मैं तेरे से कौन बात कर रहा है? ऐसा आंटी इनके नाम ने बिल्कुल नहीं करानी, अभी ना बहुत अच्छा पैर के पैर नीचे दब रहा है। अरे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्यों तू होता कौन है बोलने वाला? हमारे मामले में तू होता कौन है बोलने वाला? इज्जत बेइज्जती कुछ नहीं है, कोई बोली है, इज्जत उसी की जाती है, इसकी कोई इज्जत होती है? तो तू क्यों कर बेटा, सास है ना, यो सास है तो सास है, यो तू इसकी इज्जत नहीं करेगी? मैं नहीं करूंगी, अब मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है, हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जब आड़े पैसा मारो लड़कियां, यूं मत समझा, ठीक है? हाँ मैं ना हाथ भी उठा दूंगा ज्यादा। ऐसे कैसे हाथ उठा लेगा तू? है कौन जो हाथ उठा लेगा? तूने बुढ़िया इसको बुलाया? तू ना बुढ़िया मत बोले, तो मैं तो ऐसे बुढ़िया मत बोले ऐसे ही। अरे बेटा हाथ हाथ पाई मत करो, हाथ बुढ़िया मत बोले, ऐसे बोलूंगी मैं। फिर इज्जत तो बोल ले, इसको बुलाया तूने? अरे ममता देख ले इसकी कम से कम। अरे क्या ममता देख ले? क्या ममता है? कोई ममता नहीं है। कैसी कैसी बहू आ जाए तुम, मतलब क्यों घर खराब कर रहे हो? पहले तो ये बता तू बोल क्यों रहा है बीच में, मेरे को बात करने देना, उसने मुझे बुलाया है बात करने के लिए। तो ये हरकतें क्यों कर रही है? पहले तेनू बता तेरा कहां था सिक्का तू, तेरे मायके में यही हुआ केनू बता दे मैं, अगर तेरे मायके में ये रिवाज है ना कि मतलब माँ के जीते जी अगर प्रॉपर्टी नाम होती हो। नहीं है ठीक है, मैं बच्ची नहीं हूं, मैं सब समझती हूं। ऐसा कोई प्रॉपर्टी नाम नहीं कराने इनके, मैं अपने पति को बुला। नहीं वो नहीं आएंगे, उनके पास टाइम नहीं है ठीक है, और तुम्हें भी कोई फायदा नहीं है यहाँ पे खड़े होने से। अपना काम कौन है तू? अपने काम का काम कर, चल अपना काम करना। तू तू हमारे निकल आता है, चल हमारे बीच में क्यों आ रहा है? आंटी जी बैठ बैठ, वो बैठी है। जब तुमसे इज्जत नहीं होती ना, क्या इज्जत
तो ज्यादा ना प्रॉपर्टी के लिए गिड़गिड़ाई भी मत कर अब। क्यों गिड़गिड़ाई मत कर, हक है उस पे। किस चीज का कर? सेवा करिए, हक उसका होता है जो सेवा करे अपने माँ बाप की। ये नहीं है कि है तू तो बहू, तो बहू बहू नहीं है तू, ये बहू नहीं है। चंडाड़ा तेना घर खराब करने है किसी किसी के मतलब है। हाँ तो वही तक बोलने वाला कोई नहीं होता। तू बहू नहीं है तू, ठीक है। अरे बेटा झगड़ा मत करो, बकवास करिए झगड़ा मत करो। हाँ इसको ना धक्का मत दे, धक्का मत। फिर बुढ़िया बुढ़िया करिए, तेरा शर्म है या नहीं? अरे हाथापाई मत करो, हाथापाई है या नहीं? अरे हाथापाई मत करो बेटा, बहू है मेरी, हाथापाई। नहीं नहीं ये बहू नहीं है, ये घर खराब करने आई है। मैं अपनी जगह ठीक हूं, मतलब इन्होंने अपना लड़का दे रखा है, एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। अपना लड़का दे रखा, थोड़ा तेरे को प्रॉपर्टी भी चाहिए। लड़का देगा एहसान किया? अरे मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। लड़का देगा एहसान किया क्या? तेरा होगा ना जब लड़के, और जब तू तेरे बच्चे ऐसे करेंगे, जब पता लगेगा तेरे को एक माँ की ममता, जब पता लगेगा टाइम के टाइम तू खुद देख लेना तू। कोई नहीं कोई नहीं, तेरे तेरे मायके में तेरी मम्मी पापा को परेशान कर रहा है कोई। मैं अपनी सास से बात कर रही हूँ, तेरे को बीच में बोलने का कोई हक नहीं। क्यों नहीं बनता हक? क्यों तू होता कौन है बोलने वाला? इनके नाम ना कोई प्रॉपर्टी नहीं कराओ आप, इसी में अच्छा रहेगा कि बैठ बैठ बुढ़िया, तू नीचे बैठ। फिर बुढ़िया बुढ़िया कर रही है तेरा। मैं तो ऐसे बोलती हूं, नीचे बैठ। धक्का मत दे इसने। अरे फिर हाथ पाई मत करो। कोई नहीं बैठे बहू है यार, हाथ पाई मत। कोई नहीं ऐसा है माता जी, ऐसा है इनके मायके में ऐसा होता होगा, ठीक है। मैंने ना मेरे मायके में मत जाइयो। तो और ना प्रॉपर्टी तेरे बाप देगा? मेरे मायके में जाने की जरूरत नहीं है। तेरा बाप देगा, तेरी माँ देगी? थी इनता दहेज में लेकर आई थी प्रॉपर्टी। मेरे बाप पे मत जाइयो, मैं कह रही हूं दहेज में लेकर आई थी प्रॉपर्टी। मत जाइयो भाई पे, चल है ना, दहेज में लेकर आई थी, दहेज में लेकर आई थी प्रॉपर्टी। तू बीच में आ क्यों रहा है? बकवास कर रही है तू, सर में दर्द कर रहा है आगे। तू ये बात क्या कहने लग रही है तू? इस तरह मैं तो ऐसे बोलूंगी, ज्यादा ना बकवास मत कर, ठीक है। मैं तो ऐसे बोलूंगी, ऐसा है मेरी बात सुन ले। सामने ना उधर 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 देखे, पेड़ के पीछे ना मैंने कैमरा लगा रखा, कैमरा लगा रखा, वो जो हरकत कर रही है ना सब कुछ नोटिस हो रहा है। जितने जो ही हरकत कर, ऐसा माता जी ना तो प्रॉपर्टी नाम करानी, और जो भी हो कैमरे में कैप्चर हुआ ना, जो इसकी हरकत है, धक्का दिया बुढ़िया बोल रही है, तेरे बहनों के पास, तेरे मायके, तेरे आस पड़ोस में जितने तो आवन है, कल्ब बना रखा था ना घर में, सबके पास दिखानी है ये, ठीक है जी। ऐसे नहीं सुधरेंगे यार, अपने पति ने बुला ले जा, अपने पति ने बुला, अपने लड़के को बुलाओ जी, ऐसे नहीं सुधरेगी। वो अभी नहीं आएंगे, उनके पास टाइम नहीं है। नहीं नहीं फिर मैं वायरल करूँ इसमें, वायरल। नहीं नहीं अरे वायरल मत करना। क्यों क्यों नहीं करूँ? नहीं वायरल मत, क्यों नहीं करूँ? सुख के काम कर रखा था हमने, गलती हो गई मुझे है। अब किस चीज की गलती? अरे यार मतलब गिरगिटते भी तगड़े रंग बदलो था हम तो, कैमरा दिख गया था, गलती होगी। ये सब क्या है? है बेटा मैं तो रोड पे बैठी थी, इन्हें सब भी उठा के लाया, सब इन्हें प्रॉब्लम बताई, तो इन्होंने मुझे जो हुआ ठीक होया है, ठीक है, जो हुआ ठीक हुआ है। ये आप ठीक नहीं किया आपने। हैं क्यों नहीं? तू तू जो कर रही है, एक साल से इस बेचारे ने परेशान करी, वो बहुत उससे तो तेरे वो देना चाहिए ना पद्म भूषण, है ना। मैं तो कोई परेशान नहीं कर रही, और तू नहीं कर रही है? आंटी जी नहीं कर रही नहीं, मैं तो क्या बोल रहा हूँ, खाना दे रही है टेम्पे नहीं, ये बता। खाना तो मैं खुद ही बनाती हूँ, इनको भी खिलाती हूँ, खुद भी खाती हूँ। अच्छा, और ये बता कि परसों रात को क्या सीन हो रहा था? वही झगड़ा हुआ था, मारपीट पे पहुँच आए थे कि प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, मतलब यार माँ की ना, माँ की सेवा करते हैं, और तुम्हारे जैसे लोग हैं जो माँ की सेवा नहीं करते, बाहर धामों पर जाओ तुम। कोई बात नहीं, नहीं नहीं हो रही मम्मी, मम्मी सॉरी, आज के बाद गलती नहीं होगी, माफ कर दो। क्या करना माता जी? माफ कर दो, नहीं करेगी बहू। माता जी मेरी बात सुनो, देखो मेरे को तो लग नहीं रहा, क्योंकि देखो आपका लड़का नवर बुला लो, लड़का आ जाएंगे, वो अभी उनके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, टाइम नहीं है। क्यों नहीं? मैं घर जाऊंगा, चलो आंटी घर जाऊंगे मैं, घर से टाइम होता तो आ जाते, बोला था कि मैं बाद में मिल लूंगा, अभी तुम चले जाओ। नहीं नहीं ऐसा आंटी जी खड़े हो, नहीं कुछ काम होगा ना, बहू बिजी होगा इसलिए नहीं आया, समझ गए बहू ना। फिर ये हरकत करी तो नहीं करेगी, आज के बाद नहीं होगा। माता जी क्या करना है? माफ कर दो, कोई बात नहीं, आगे से नहीं करेगी, बोल रही है आगे से नहीं करेगी। देख माँ की माँ को मत रुलाइयो, और कुछ देख, और कुछ भी नहीं है। अगर तू समझ रही है ना कि इनको रुलाकर तू खुश रहोगी, तू ये दोस्तों के साथ है, कोई इज्जत नहीं है, कोई बाहर ना तेरे को कोई यूं नहीं बोल रहा होगा कि हां मैंने कभी तुम्हें बेटा कभी किसी चीज की तुम्हें रोकटो का कुछ नहीं किया, कभी रोकटो का कहीं रुका बुडका का, तुम्हें जो पहना है तुम्हें पहनने को दिया है, जो खाया मांगा खिलाया है ना, कुछ किया है कभी रोकटो का नहीं। बस ये तो बोलती हूं अपने जो गंदे बने दोस्त आते हैं उनसे दूर रहो, उनसे मत इज्जत करो यार, माँ की इज्जत नहीं करोगे और किसकी करोगे? नहीं होगा मम्मी, इनकी इज्जत करोगे, बाहर इज्जत बनी रहोगी, सब बोलेंगे भाई उस घर की बहू कितनी अच्छी है, उस घर की बहू कहते ये काम कर रही है, उस घर की बहू अपने मम्मी पापा की इज्जत कर रही है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके? तो भाई कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, और भाई जो भी भाई
घर की बहू है भाई, रिस्पेक्ट करो भाई अपनी माता की। और भाई लड़के जो भाई वो अपने मतलब पत्नी की ज़्यादा सुनते हैं, जो पालता है पोसता है उसकी नहीं सुनते भाई। ये वीडियो सिर्फ एक एक्ट है भाई, हमने मैसेज देने के लिए वीडियो बनाई है, तो भाई इसको शेयर करना ताकि हर किसी के पास ये मैसेज आए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, थैंक यू इतना सारा प्यार दे रहे हो। इंस्टाग्राम पर भी दो, यहाँ पर इंस्टाग्राम दिख रहा होगा।